नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बात करते हैं मास्क शिवरात्रि व्रत कब से शुरू करें और कितनी संख्या में करें और कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं, इसकी पूजन विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मास्क शिवरात्रि हर महीने जबकि महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मास्क त्योहारों में शिवरात्रि के व्रत का बहुत महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग की पूजा की गई थी। इसके चलते शिव भक्त हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास्क शिवरात्रि मनाते हैं। अब बात करते हैं इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। मास्क शिवरात्रि का व्रत पुरुष, महिला या बच्चे कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। लड़कियां इस व्रत को विवाह करने हेतु विवाहित महिलाएं अपने विवाहित जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस व्रत को करती हैं। अब बात करते हैं इस व्रत को हम कब से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार में दो शिवरात्रि आती है, एक शिवरात्रि एक महाशिवरात्रि। एक शिवरात्रि सावन में आती है, एक मार्च अप्रैल में। कुछ लोग पूरे साल भर में शिवरात्रि व्रत करते हैं। और अगर आप मास्क शिवरात्रि व्रत शुरू करना चाहते हैं तो माघ, कार्तिक, वैशाख में या सावन में, इन चार महीनों में आप शिवरात्रि व्रत शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो साल में दो शिवरात्रि आती है उनमें से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इन चार महीनों में भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत कितनी संख्या में करें। व्रत आप 5, 7, 11 या फिर वर्ष भर भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। मास्क शिवरात्रि व्रत के दिन आपको मध्य रात्रि तक जागते रहना चाहिए। शिव मंत्र, शिव भजन कीर्तन करें। जब भी आप व्रत शुरू करें, व्रत को संकल्प लेकर ही शुरू करें, क्योंकि संकल्प लेकर व्रत शुरू किया हुआ अधिक फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं मास्क शिवरात्रि की पूजन विधि के बारे में। जिस दिन आपका मास्क शिवरात्रि का व्रत होगा, उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र दान करना अधिक शुभ होता है। मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर ही भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिक जी और नंदी महाराज जी की पूजा करें। भगवान शिव का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। शिव परिवार को पंचरात से स्नान कराएं। पंचरात पांच चीज़ों से मिलकर बनता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से। शिवलिंग पर आप बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा और श्री फल चढ़ाएं। अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव प्राण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। शिव पूजा करते समय आप ओम नमो शिवाय मंत्रों का जाप लगातार करते रहें। तो भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी की भी आरती करें। भगवान को लगाए जाने वाले भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद शाम के समय आप फल खा सकते हैं, लेकिन व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना। अगले दिन स्नान आदि के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और दान आदि करने के बाद आप अपना व्रत खोलें। अब बात करते हैं मास्क शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं। व्रत में आप जूस का सेवन कर सकते हैं, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। सुबह के समय आप फलाहार या फलाहार में संतरा, खीरा, पपीता, सेब आदि कोई भी फल आप ले सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है तो आप बिना नमक के ये व्रत करें। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत में मीठा किसी भी फल की खीर, गाजर, लौकी, कद्दू की खीर आप खा सकते हैं। इसके अलावा मखाना, कुट्टू, सिंघाड़े, राजगिरे के आटे से बनी कोई भी व्यंजन बनाकर आप खा सकते हैं। इस व्रत में आप आलू का हलवा, आलू फ्राई, साबूदाने के पापड़, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पकौड़े, साबूदाने की खिचड़ी आदि खा सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत में मूंगफली खा लेते हैं, परंतु कुछ लोग इस व्रत में मूंगफली नहीं खाते। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने मूंगफली खानी है या नहीं।
इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, सिंपल नमक का प्रयोग आप ना करें। शिव पूजा करते समय ये 5 गलतियां आप ना करें। जब आप शिव पूजा करें तो आपको आपके बालों में पानी नहीं टपकना चाहिए। इस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। 1 दिन पहले आप अपने बाल धो सकते हैं। पूजा के समय अपने सिर को ढककर रखें। पूजा उत्तरमुखी होकर करें और पूजा करते समय आपको खुले बाल नहीं रखने चाहिए। पहले आप अपने बाल को बांधें और उसके बाद आप पूजा शुरू करें। इस शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और कपूर से आरती करें। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। जब भी आप पंचरामृत रखें, पंचरामृत आप तांबे पीतल के बर्तन में भूल कर भी न बनाएं। मिट्टी स्टील चांदी के कटोरे में आप पंचरामृत रख सकते हैं। अगर आप सामान्य जल या गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं तो आप पीतल और तांबे में रख सकते हैं। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो आप इस व्रत का ध्यापन करें। जैसे आपने 7 व्रत का संकल्प लिया तो आप 8वें व्रत पर ध्यापन करें। ध्यापन के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सफ़ेद मिठाई खीर का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन आप अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।